हाय एवरीवन, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है पिस्टन रिंग। आज हम लोग बात करेंगे पिस्टन रिंग के ऊपर। पिस्टन रिंग के प्रकार का होता है, पिस्टन रिंग खराब होने से क्या क्या बाइक में समस्या आएगा, तो आज का इस वीडियो हम लोग जानेंगे। तो पिस्टन रिंग के प्रकार का होता है, पिस्टन रिंग काम किस तरह करता है, तो चलिए आज का इस वीडियो में जानते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में आपको तीन रिंग देखने में मिलेगा, तीन गैप रहता है रिंग का हम लोग का, तो टॉप वन, टॉप टू और टॉप थ्री। पहला वाला रिंग का नाम, दूसरा नंबर इंटरमीडिएट रिंग होता है, तीसरा नंबर सर वायर स्पेंडर रिंग, वायर को रोकने का काम करता है। टॉप वायर रिंग का हम लोग का दो काम होता है, एक काम होता है कंप्रेसर को रोकना, इस समय पिस्टन हीट जो होता है ना, ब्लास्ट होता है, उसका कंप्रेसर को रोकना होता है। और दूसरा काम होता है दोस्तों, हीट जो होता है इंजन का, उसको रोकना होता है, तापमान का दोस्तों को रोकना पड़ता है। टॉप वन रिंग तापमान को रोकता है, तो कैसे रोकता है दोस्तों, पिस्टन जब हमारे ऊपर जाता है एयर और फ्यूल का ब्लास्ट होता है, इसलिए दोस्तों हमारा टॉप वन रिंग ज़्यादा हीट होता है, एयर और फ्यूल ज़्यादा मिक्सर का ब्लास्ट होता है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर दिख रहा हो किस तरह हीट जब 300 सेल्सियस पर इंजन दोस्तों में हीट होता है, सिलेंडर ब्लॉक हीट जो होता है 300 सेल्सियस पर हीट होता है दोस्तों। तो क्रैंक इसका लुब्रिकेशन अपना होना बहुत जरूरी है, इसलिए दोस्तों काफ़ी सारे बाइक में इंजन आप लोग देखे होंगे वाटर दिया था, फ्यूल मतलब पानी का यूज़ किया जाता है, तो वाटर दिया जाता है साइड में, ब्लॉक किट का साइड मतलब पानी दिया जाता है, 300 सेल्सियस में तापमान रहता है, उसी का दोस्तों वाटर का यूज़ किया जाता है पिस्टन रिंग में। तो पिस्टन रिंग अब हम लोग बात करें टॉप टू के बारे में, कि टॉप टू रिंग किस तरह काम करता है। टॉप टू दोस्तों कंप्रेसर को रोकने का काम करता है, टॉप टू रिंग कंप्रेसर रुकता है, जो बाकी जो कंप्रेसर टॉप वन से नीचे निकल गया उसको बीच में कटा हुआ आप लोग इसको ऊपर दिख रहा, बाकी जो ऑक्सीजन हमारा निकल गया उसमें तो टॉप टू में रोकता है, तो वाल जो अभी ऊपर आ गया हुआ उसको भी नीचे टॉप टू रिंग ही ज़्यादा दोस्तों आगे उस हमारे नीचे सबसे नीचे आ गया वायल स्पेंडर रिंग, वो रिंग दोस्तों नाम से भी समझ सकते हो वायल स्पेंडर रिंग, थोड़ा नीचे से वो दूसरा कटिंग रहता है। वायल स्पेंडर रिंग का काम होता है रूबिकन पढ़ना, वायल को ऊपर ले जाना, वह इसका कटिंग देख सकते किस तरह वायल स्पेंडर रिंग का कटिंग है, देख सकते हैं। इस रिंग का काम वायर को ऊपर ले जाकर वायर को रोकना, जो है नीचे हमारा इंजन वायल है उसको जब ऊपर ले जाता है रूबिकन के लिए पिस्टन को, उसको वायर को रोकना, इतना स्पीड हम इंजन वायल जब पिस्टन हमारा रोटर होता है उसको जितना रोटर होता है उसका रूबिकन के पन होना उतना ही जरूरी है, इसलिए तो हम लोग का दिया था टॉप थ्री में वायर स्पेंडर रिंग। वायर स्पेंडर रिंग काम क्या करता है, जहाँ वायर जो ऊपर उठता है जहाँ पर छेदा दिख रहा होगा वहाँ से वायर जब ऊपर उठता है दोस्तों वो लॉक करता है वायर को, जितना हमारा रूबिकन का होना होता है रूबिकन कर देता है, उसका वायर रिटर्न दोस्तों हम लोग का नीचे आ जाता है इस हॉल के मदद से। कभी रिंग ऑर्डर डाउन हो जाएगा क्या होगा आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला रिंग का गैप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, गाइस हम लोग का फुल स्ट्रोक इंजन का रिंग रहता है, फुल स्ट्रोक इंजन का रिंग इस प्रकार से रहता है दोस्तों। ये तो हमारा वायर स्पेंडर रिंग है, अगर ये खींच जाएगा ज़्यादा तो धुआं मारेगा, उसमें स्मोक करने का चांस बढ़ जाएगा दोस्तों, स्मोक होने रहेगा दोस्तों हो जाएगा। तो अब बाइक में दोस्तों क्या होगा, हम लोग इंजन वाल कम होने लगेगा और स्मोक करेगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों जब भी आप लोग का बाइक हो या कार हो जब वाइट स्मोक करने लगे आप लोग समझ जाइए कि बाइक का इंजन का काम खोज रहा है बाइक, यानी इसका रिंग डाउन हो चुका है पिस्टन का। अगर दोस्तों आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह रिंग फिटिंग होता है, हमको रिंग का ग्रुप किस तरह रखना है, दोस्तों मेरा चैनल में उसको ऑलरेडी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चले फिर मैं तो नेक्स्ट टॉपिक, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।